एक बार की बात है, एक जवान लड़का था जिसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसे डर बहुत लगता था। डर किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि असफल हो जाने से, किसी के द्वारा अस्वीकार किए जाने से। अपने इसी डर की वजह से वो लड़का आज तक कुछ भी बड़ा नहीं कर सका था। वो जब भी किसी काम को करने की कोशिश करता तो उस काम में असफल होने का डर उसे जकड़ लेता। उसके मन में ख्याल आने लगते कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। और अपने इसी बरसों पुराने डर के चक्र में फंसकर वो लड़का या तो काम को बीच में ही छोड़ देता या फिर उस काम में वो असफल ही हो जाता। और ये सब उसके साथ सालों से होता आ रहा था। बचपन की कुछ शुरुआती असफलताओं और फिर उन असफलताओं की वजह से मिलने वाले तानों ने उसके मन में इतना गहरा असर किया था कि वो आज तक उनसे उभर ना सका था। जब भी वो किसी काम को करता तो उसके बचपन का डर हमेशा उसके सामने खड़ा हो जाता और वो सोचने लगता कि कहीं असफल ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि काम अधूरा ही रह जाए। और फिर अंत में उसका शक सही निकलता और वो हर बार असफल हो जाता। अब तो उसने ये मान ही लिया था कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो निकम्मा है, वो डरपोक है। लेकिन उस जवान लड़के का एक दोस्त भी था जो ये बात समझता था कि मेरा दोस्त प्रयास तो हर बार करता है लेकिन वो असफल हो जाता है, क्योंकि उसके मन में हारने का डर बचपन से बैठा हुआ है। उसने कई बार अपने दोस्त को समझाने की भी कोशिश की कि तेरी असफलता का कारण तेरे अंदर बैठा डर है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। हालांकि वो लड़का भी ये बात समझता था कि ये बचपन से उसके अंदर बैठा हार का डर ही उसकी असफलता का कारण है, लेकिन वो चाह कर भी इस डर से छुटकारा नहीं पा रहा था। एक दिन जब वो लड़का अपने गाँव के पास वाली नदी के किनारे बैठा हुआ था, तभी अचानक पीछे से आकर उसके उसी दोस्त ने बड़ी खुशी से कहा, मेरे भाई, तेरे सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल चुका है। यह सुन उस जवान लड़के ने उदास मन से कहा, हाँ जानता हूँ, तो फिर वही पुरानी बातें बोलेगा कि डरा मत कर, असफल भी हो गया तो क्या होगा, सभी असफल होते हैं। मैं तेरी बातें सुन सुनकर पक चुका हूँ, अब कृपया कोई नया ज्ञान मत देना। यह सुन उसके दोस्त ने कहा, मैं तुझे कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, तू पहले मेरी पूरी बात तो सुन। उस जवान लड़के ने कहा, बता क्या बात है तेरी। उसके दोस्त ने कहा, आज हमारे गाँव में एक बहुत ही बड़े सिद्ध महात्मा पधारे हुए हैं। लोग कहते हैं कि वो बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं। जो भी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता है वो उसकी समस्या का निराकरण जरूर करते हैं। गांव के सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान उन साधु महाराज से पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम तेरी भी समस्या का समाधान उनसे ही पूछ लें। यह सुन उस जवान लड़के ने कहा कि क्या सच में वो इतने पहुँचे हुए महात्मा हैं। दोस्त ने कहा, गाँव के बड़े बुजुर्ग तो यही बोल रहे हैं कि वो बड़े ही आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं। यह सुन उस जवान लड़के ने कहा, तो फिर चल, अपन भी चल के उन साधु महात्मा से मेरे डर को खत्म करने का तरीका पूछते हैं। वे दोनों लड़के उन साधु महाराज के पास जाते हैं। वहाँ काफ़ी भीड़ लगी होती है, तो वो दोनों अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो दोनों अपने हाथ जोड़कर साधु महाराज के सामने बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर वो साधु महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कहो बच्चों, तुम्हारी क्या समस्याएँ हैं। यह सुन उस लड़के का दोस्त कहता है, महाराज, समस्या मेरी नहीं, मेरे दोस्त की है, और समस्या भी बहुत बड़ी और बहुत पुरानी है। यह सुन साधु महाराज ने उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, बताओ बेटा, अपनी समस्या बताओ। लड़के ने कहा, महाराज, मेरे अंदर बहुत डर है। मैं इस डर से कि कहीं असफल ना हो जाऊँ कोई नया काम ही शुरू नहीं कर पाता, और अगर शुरू भी करता हूँ तो उसमें असफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ही इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं असफल ना हो जाऊं। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और ना जाने इस तरह के कई और डर भरे डरावने प्रश्न हमेशा ही मेरे मन में चलते रहते हैं। इसलिए कृपया कर आप ही मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने इस डर को ख़त्म करूं, मैं कैसे इसे छुटकारा पाऊं। साधु महाराज ने कहा, तुम किसी भी उस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते जो असलियत में है ही नहीं। साधु महाराज ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम अभी डरे हुए हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बात ना बोल दूं जो तुम्हारे डर को और बढ़ा देगी। लड़के ने कहा, हाँ, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि कहीं आप कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे मेरे अंदर के डर के प्रति मेरा विश्वास और मजबूत हो जाए। साधु महाराज ने कहा, यही तो तुम्हारे डर की सबसे बड़ी वजह है कि तुम सोचते बहुत हो कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। साधु महाराज ने उस लड़के से आगे पूछा, क्या तुम्हें जीवन के हर पल में डर लगता है। उसने कहा, नहीं, मुझे हर पल तो डर नहीं लगता, ये मुझे तभी लगता है जब मैं किसी काम को
अपने हाथ में लेता हूँ। साधु महाराज ने पूछा, लेकिन तुम्हें हर समय डर क्यों नहीं लगता? लड़के ने कहा, क्योंकि मैं हर समय डर के बारे में नहीं सोच रहा होता हूँ। साधु महाराज ने पूछा, क्या जब तुम खाना खाते हो तब भी तुम्हें डर लगता है? लड़के ने कहा, नहीं। साधु महाराज ने फिर पूछा, क्या जब तुम सोते हो तब भी तुम्हें डर लगता है? लड़के ने कहा, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे सोते वक्त क्यों डर लगेगा, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़े ना हूँ। साधु ने कहा, फिर तुम्हें किसी बड़े काम को करते वक्त ही डर क्यों लगता है? लड़के ने कहा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया काम करने का प्रयास करता हूँ तो मेरे सारे पुराने असफल कामों की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है, वो सारी बातें दिमाग में चलने लगती हैं जो लोग मेरे बारे में करते हैं जब मैं असफल हो जाता हूँ, और फिर ये सब सोच सोच कर मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं इस काम में भी असफल ही हो जाऊँगा। यह सुन साधु महाराज ने हंसते हुए कहा, तो क्या अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आया कि तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारा डर नहीं बल्कि तुम्हारा उस डर के बारे में अत्यधिक सोचना है? जब तुम डर के बारे में नहीं सोचते तो तुम्हें डर भी नहीं लगता है ना, तो बस तुम्हें ऐसे ही बने रहना है। डरा हुआ ना होने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन डरा हुआ रहने के लिए तुम्हें बढ़ा चढ़ा के कल्पना करनी होगी। इंसान के अंदर डर पैदा होता है जरूरत से ज़्यादा कल्पना करने के कारण। जो अभी नहीं हुआ तुम उसे भी अपने मन में बना रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, जबकि चीज़ें 100 अलग प्रकार से हो सकती हैं, इसके विपरीत कि जैसा आपने अपने मन में सोच रखा है। साधु महाराज ने उस लड़के से पूछा, उन 10 चीज़ों के बारे में सोचो जिनके बारे में सोच सोच कर तुम डरे हुए थे, और मुझे ये बताओ कि उनमें से कितनी चीज़ें असलियत में तुम्हारे साथ घटित हुई हैं। लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज मुझे लगता है कि अगर मैं 10 चीज़ों को लेकर परेशान रहता हूँ तो असलियत में उनमें से केवल एक ही चीज़ मेरे साथ घटित होती है। यह सुन साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, फिर तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हुए कि तुमने फालतू ही बाकी की 9 चीज़ों के बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान किया। लड़के ने कहा, हाँ महाराज ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। साधु ने कहा, यह डर असलियत में है ही नहीं, ये केवल तुम्हारे मन ने बनाया है और इसके बारे में सोच सोच कर तुमने इसे अपने अंदर मजबूत कर लिया है। लड़के ने कहा, महाराज फिर अब मैं क्या करूँ? साधु महाराज ने कहा, इस डर का मजा लो, आखिर तुमने ही तो इसे बनाया है। लड़के ने कहा, लेकिन कैसे महाराज? साधु महाराज ने कहा, अब जब भी तुम्हें अगली बार डर लगे तो उस डर को बस अपने मन के अंदर देखना, देखना कि उस डर की वजह से कैसे कैसे विचार तुम्हारे मन में पैदा हो रहे हैं। तुम्हें उन विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना और ना ही उन विचारों में खोना है, बस उन्हें मन में उठते और गायब होते देखना है, किसी पानी में उठने वाली लहरों की तरह। और तुम्हें ये काम हर बार करना है जब भी तुम्हें डर लगे, और तुम देखोगे कि समय बीतने के साथ डर के विचारों की तीव्रता तुम्हारे अंदर से कम होती चली जाएगी। साधु ने कहा, संक्षिप्त में कहूँ तो मनुष्य का डर उसके विचारों की उपज है। अपने विचारों पर काबू कर इंसान किसी भी डर पर काबू पा सकता है। उस लड़के ने कहा, अब मैं समझ गया महाराज कि मुझे अपने विचारों पर नियंत्रण करना है और मेरा डर अपने आप ही गायब हो जाएगा। साधु महाराज ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान जितना अपने विचारों में परेशान होता है उतना वो अपनी असल ज़िंदगी में कभी नहीं होता। अब वो लड़का उन साधु महाराज की बात पूरी तरह से समझ चुका था। उन दोनों ने साधु महाराज को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। बेवजह सोचते रहना हमारे अंदर डर पैदा करता है, और फिर यही डर हमारी चिंता का कारण भी बनता है। अपनी युवा अवस्था में ऐसे ही बेवजह चिंताओं से गुजर रहे थे विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी, जिसके ऊपर उन्होंने अपने बाद के दिनों में एक बुक भी लिखी है कि कैसे उन्होंने अपनी बेवजह चिंता करने की आदत को ख़त्म कर एक खुशहाल ज़िंदगी का रास्ता अपनाया। साथ ही उन्होंने इस बुक में बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बताया है जिनको फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी चिंता को ख़त्म कर एक अच्छी लाइफ जी सकता है। उनके द्वारा लिखी इस बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। अगर आप चाहें तो इस बुक की हिंदी में बुक समरी भी सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। कुकू FM इंडिया का लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप एक छोटी सी कीमत देकर अलग अलग फील्ड की हजारों बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। नॉर्मली कुकू FM के एक साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 399 रुपीज़ का, लेकिन आप इसे अवेल कर सकते हैं सिर्फ 199 रुपीज़ में अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WY50। लेकिन 199 वाला यह ऑफर सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पर दी गई है। ऐप को डाउनलोड कर WY50 कूपन कोड का फ़ायदा उठाएं। अगर हम अपने आसपास देखें तो आज ज़्यादातर लोग ओवरथिंकिंग के शिकार हैं।
और आज की जनरेशन में इसका सबसे बड़ा कारण है आसानी से और ज़्यादा मात्रा में सूचनाओं का उपलब्ध होना। क्योंकि जब हमारे दिमाग को लगातार किसी न किसी प्रकार की सूचना मिलती रहती है तो यह इसका आदि हो जाता है। इसे हमेशा ही किसी न किसी प्रकार की सूचना पर अपनी प्रतिक्रिया देने की आदत पड़ चुकी होती है। क्योंकि आज के सोशल मीडिया की दुनिया में हर एक न्यूज, हर एक पोस्ट पर हमारा माइंड प्रतिक्रिया करता है। हम चाहे उस प्रतिक्रिया को अपने मुंह से बोलें या ना बोलें, हमारा माइंड हमेशा ही यह निर्णय करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। इसी तरह की बहुत सी उलझनों में हमारा माइंड हमेशा उलझा रहता है। पर क्योंकि हमारे माइंड को कुछ ना कुछ करने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते तब भी ये पुरानी प्राप्त सूचनाओं को याद कर अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है। और फिर जिसे हम कहते हैं कि हमारा माइंड हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसलिए अगर हम ज़्यादा सोचने, चिंता करने और फिर उस चिंता से उत्पन्न होने वाले डर से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मस्तिष्क तक पहुंचने वाली सूचनाओं पर कमी लानी होगी। दूसरा, हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा कि मस्तिष्क में कैसे विचार हमेशा चलते रहते हैं। तब जाकर हम खुद को इस ओवरथिंकिंग के चक्र से बाहर ला पाएंगे।